Wow. First of all, I know a lot of people have questions related to कि मैंने हर्ष को क्यों नहीं ये किया, वो क्यों नहीं किया, मुझे उसको पावर से हटाना चाहिए था. गाइज, पहली बात तो मुझे समझ नहीं आता ये लोग जो हैं इतना ज़्यादा ओपिनियन देने लगते हैं. शो में थे नहीं ये लोग, फिर भी एक घंटे का एपिसोड देख के ओपिनियंस देते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, हर्ष वॉज देयर विथ मी थ्रू आउट द टाइम. जब शिवित नहीं था वहाँ पे तो हर्ष वॉज देयर विथ मी. ही सेव्ड मी लास्ट डोम में एंड ही गेव मी द चांस टू परफॉर्म. उसने शोभिका बहुत क्लोज है हर्ष के, फिर भी उसने शोभिका को छोड़ के मेरे को चांस दिया परफॉर्म करने का. तो मैं ये चीज़ कैसे कर दूँ, और उसने मुझे सेव भी किया था. तो लाइक हाउ कैन आई बी कि भाई मैं इसको हटा देती हूँ पावर में से. आई डोंट वांना एक्ट लाइक दैट. और दूसरी चीज़, यही सेम चीज़ मैंने उस टाइम भी की थी जब आप लोग मुझे बोल रहे थे कि खनक को सेव नहीं किया, खनक को सेव नहीं किया. उसकी फ्रेंड को पता था कि खनक आज डंप होने वाली है, फिर भी उसने खनक को सेव नहीं किया, आकृति को सेव किया. आकृति वॉज माई प्रायोरिटी दैट टाइम. नो, तो ऑफकोर्स मैं आकृति को उस टाइम पे सेव करूँगी. आई नो खनक डंप होने वाली थी, बट अगर आकृति और खनक है उस टाइम पे, यही था कि अगर आकृति और खनक है डंपिंग जोन में तो ऑफकोर्स आई सेव आकृति उस टाइम पे. तो सेम दैट थिंग कि ये नहीं किया, ये बहुत डम था, ये था वो था, प्लीज़ मेरे वहाँ पे होके देखो, मेरे जगह पे होके देखो, देन यू विल रियलाइज. अगर किसी ने मेरी हेल्प की है तो ऑफकोर्स आई हेल्प देम. मुझे नहीं पता गाइज शिवित का कुछ भी, आई डोंट नो. और वाइल्ड कार्ड एंट्री का तो मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता. ये आप मुझसे मत पूछो, ये आप स्प्लिट्स वाला वालों से जाके पूछो कि वो आने वाले कि नहीं. डिसीजन यार, जो इंसान मेरे साथ था मैं उसको ऐसे पावर से हटा दूं यार, लाइक. और मैं अगर उसको पावर से हटा देती तो वो डम होता. फिर भी तुम, द पॉइंट इज कि लोगों को तो ओपिनियन देना ही है, फिर भी वो कुछ ना कुछ बोल ही रहे होते. फिर भी वो यही बोल रहे होते कि अनिका ने उसको हटा दिया, अनिका हर्ष वॉज देयर अनिका के साथ वहाँ पे, अनिका ने कैसे हटाया. लाइक ऑब्वियसली हर चीज़ में तो होना ही है. लव फ्रॉम नेपाल, थैंक यू रीनल. लव बैक फ्रॉम दिल्ली और मुंबई. आई क्या ही बोलूँ मैं ये बोलूँगी कि अब शो देखो, यू विल डेफिनेटली इन्जॉय. एंड द लॉट ऑफ थिंग्स जो आगे जाके आपको पता चलेंगी, एंड यहाँ से मजा आएगा आपको शो में देखने. मैं बोल रही हूँ ना, यहाँ से पक्का मजा आएगा शो देखने. क्या गॉसिप, मेरे पास कोई गॉसिप नहीं है यार, मैं तो ऐसे ही आ गई. आई डोंट हैव एनी गॉसिप. मैं तो ये क्लियर करने आई थी कि व्हाई यू गाइस आर सेइंग दैट मैंने डम किया, डम डिसीजन लिया, या फिर आपने हर्ष को क्यों नहीं उठाया. हर्ष वॉज द ओनली पर्सन हु वॉज देयर विथ मी. हर्ष और शाली थे वहाँ पे मेरे साथ. हाउ कैन आई थिंक अबाउट इट कि भाई वहाँ पे ऐसा हुआ. लव फ्रॉम उत्तराखंड, लव बैक फ्रॉम दिल्ली एंड मुंबई. वेर इज शेवित, आई डोंट नो एनी शेवित. हाउ कम मुझे, मैं किसी शेवित वेवित को नहीं जानती हूँ गाइस. मैं शिवित को जानती हूँ, मैं शेवित को नहीं जानती. चिल, हाउ डू यू फील आइडियल मैच विथ अक्षय. नाइस क्वेश्चन, गुड 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 गुड. हेलो 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 गाइस. ऑल्सो गाइस क्या ही बोलूँ मैं अब. दिकीला, हाँ दिकीला अनिकेत. मेरी एक्चुअली दिकीला अनिकेत से उस टाइम की बात है, जब मैं शो, मतलब जब हम डोम के लिए जा रहे थे तब मेरी दिकीला अनिकेत से बात हुई थी. आई गेस वो अनसीन अनदेखा या कहीं भी कटलेस में या कहीं भी आपको दिख जाएगा कि मेरी दिकीला अनिकेत से बात हुई थी. एंड आई आस्क देम दैट यू गाइस वांट टू गो टू आइडियल फॉर बीइंग एन आइडियल मैच. नो, तो दे आर लाइक कि हाँ. और तो फिर हमने ये डिसाइड किया था कि हम दिकीला और अनिकेत को मिलेंगे, और हमने श्योरिटी ली थी. तो यस, एंड आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि वहाँ पे ऐसा होएगा, बट ठीक है, हीट ऑफ द मोमेंट में बहुत सही चीज़ हो जाती है. आई वॉज ऑल्सो रॉन्ग, मैंने भी बहुत रिएक्ट किया है वहाँ पे, तो ठीक है. लेट इट बी.
मुझे नहीं पता कौन वापस आने वाला है कौन वापस नहीं आने वाला है, ये आप उसी से पूछो जाके, मेरे को नहीं पता है ये। आर यू एंड आकृति स्टिल इन गुड टर्म्स? आई डोंट नो गाइस, आई डोंट नो एनीथिंग। हाय अनिका, हाय सोना, हाय अरे हाउ आर यू? सचिन इज द विनर। यस गाइस, सचिन इज द विनर। सो अभी जाओ आप उसको विश करके आओ। मैडम ठीक है, हाँ ही इज द विनर ऑफ स्प्लिट्सविला सीजन 15। सो गो। आई हैव टू अबाउट योर टर्म्स, आई गेस यू गाइस सॉर्ट इट आउट। Yes, we had a normal convo, so it's like normal from both the ends. We don't have any grudges for each other, so yeah. I think मुझे किसी से भी इतनी grudges नहीं है, so कोई भी contestant से कुछ भी grudges नहीं। Oh seriously, Sachin winner? Yes guys, Sachin is the winner. Go. I'm not ignoring anyone. Levi, I don't know. I genuinely don't know about it. Is Rishali your new best friend now? Guys, first of all, let me clear you one thing. मैं best friend वाली चीज़ पे बिल्कुल भी believe नहीं करती हूँ, because बहुत सारी चीज़ें होती हैं, best friend कहना और ये करना, किसी को समझना is very डिफ़िकल्ट फॉर मी। तो आई डोंट थिंक दैट कि मेरा कोई भी ऐसे बेस्ट फ्रेंड है। मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं जिनको मैं फैमिली की तरह समझती हूँ। तो कॉलिंग एनीवन बेस्ट फ्रेंड इज़ रियली बिग टर्म फॉर मी, बिग वर्ड फॉर मी। सो नोबडी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। हाँ मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, मेरे क्लोज फ्रेंड्स हैं, एंड दे आर माई फैमिली। सो नो। आज आज जाती तो मैं शो नहीं देखता बट मैं नहीं गई बट मैं बच गई। गाइस वैसे तो मेरे को ऐसा बोलना नहीं चाहिए, बट जितना मैंने शो में चिल्लाया है ना, जितनी मैंने बोला है, मुझे ना ऐसे मतलब मैं रील्स देखती हूँ ना, तो मुझे खुद पर इतनी हंसी आ जाती है ना गाइस, इतनी हंसी आ जाती है, बिकॉज इतना चिल्लाना और इतना ज़्यादा ऐसे यू नो ऐसे बोलना इज नॉट माई टाइप ऑफ थिंग, तो मुझे बहुत ऐसी आती है। यू वॉन्ट बिलीव, मैंने दो एपिसोड्स देखे ही नहीं है, मतलब जो अभी इतने एपिसोड्स आए मैंने वो देखे ही नहीं, बिकॉज मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा ऐसा हो जाता है एम्बैरेसिंग मोमेंट कि भाई व्हाट आर यू डूइंग अनिका, मैंने आज का एपिसोड देखा और आज भी आई फेल्ट क्यों बोल रही हूँ मैं यहाँ पे, किस लिए बोल रही हूँ। Are you happy that you came an idol match? Powers किसको नहीं अच्छी लगती है guys? ये बताओ। Have you seen Akriti's videos? Guys क्या पूछते रहते हो? Hi Karan, hello. अरे यार I'll tell you, show में ना एक तो lightning की इतनी problem होती थी, मतलब फिर भी इस बार के season में बहुत डोम में तो बहुत अच्छी lightning थी। मेरी बात हुई थी पिछले सीजन के कंटेस्टेंट से, लाइक कि हमारे जो डोम था ना, हमारा जो डोम था उसमें तो लाइटनिंग इतनी ख़राब होती थी कंटेली, तो एक तो लाइटनिंग की प्रॉब्लम होती थी, ऊपर से दूसरी चीज़ हम इतने ज़्यादा टैन हो गए थे ना गाइस, इतने ज़्यादा मतलब हालत ही ख़राब हो गई थी हमारी। I know this thing, I know. Doing nothing and still become an idol match. यही तो है guys, यही तो है। अब मैं इस पे कुछ comment नहीं करूँगी, because अब आप जाके आगे देखना। ओह, आप जाके आगे episodes देखना, you'll love it. Love it.
कशिश, हाँ हाँ आई नो, कशिश ने वीडियोस में बहुत सारी चीज बोली है। पता नहीं यार, मेरे को कशिश से ऐसा कुछ है नहीं, लाइक शो पे शी वॉज वेरी गुड।